लोगों की मदद के लिए बिहार नहीं पहुंचे, लेकिन एक लाइव आकर वीडियो जरूर जारी किया है। इस वीडियो पर फैंस ने अपनी प्रतिक्रिया दी है कि क्या खेसारी लाल जैसे इंसान अगर वहां पर नहीं पहुंच रहे, सिर्फ संवेदना जता रहे हैं, तो फिर मदद हो सकती है, क्योंकि संवेदना भी बहुत बड़ी चीज होती है। इस वक्त हम जिस इंसान की बात करें, वो इंसान अपने आप में भोजपुरिया जगत का बहुत ही बड़ा सुपरस्टार है, और उस स्टार की वजह से आज जो जीवन में घटित हो रहा है उसके, मतलब बहुत सारी चीजें उन्होंने कमाई है, सबसे ज्यादा फैंस कमाए हैं उनके जीवन में। फैंस इतने ज्यादा हैं कि जहां भी जाते हैं उनकी भीड़ उमड़ पड़ती है। और इस बीच खेसारी लाल यादव ने एक वीडियो वायरल किया है, और उस वीडियो में वो तमाम लोगों से अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि बाढ़ पीड़ितों की मदद कीजिए, पटना से ही सारी चीजें होती हैं और पटना में ही बाढ़ आ गई है, तो फिर ऐसे में लोगों तक सहायता राशि या फिर सहायता कैसे पहुंचाई जाएगी, बड़ा सवाल है। इस बीच फैंस ने क्या कुछ कहा है और कौन सी प्रतिक्रिया दी है, देखिए ये रिपोर्ट। खेसारी लाल यादव बाढ़ पीड़ितों से मिलने नहीं जा सके, हालांकि खेसारी लाल यादव का दिल जरूर कचोट रहा है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो खेसारी लाल यादव वीडियो वायरल कर यूं फैंस से बात नहीं करते, लोगों से बात नहीं करते। हम आपको बता दें कि खेसारी लाल यादव सुबह सुबह आए जनता के समक्ष, उन्होंने लोगों से रिक्वेस्ट की कि भैया पटना में बाढ़ आइल बा, भीषण बाढ़, लोग त्राहिमाम करत आ रहे, और ऐसा समय में पटना से सब चीज जाला, तब पटने में जब बाढ़ आ गई बा तो फिर कैसे मदद कर जाओ। जी हाँ, खेसारी लाल यादव के ये वक्तव्य जब सामने आए तो फिर लोग चूंकि बाढ़ से परेशान हैं, और फैंस ने भी बहुत सारी प्रतिक्रिया दी है, फैंस ने संवेदना भी जताई है खेसारी लाल को लेकर। खेसारी लाल ने जिस तरीके से लोगों की इस पीड़ा में अपना दुख व्यक्त किया है, इससे तमाम फैंस ने क्या प्रतिक्रिया दी है, आइए आपको बताते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे विकास कुमार की। खेसारी सर, आप बात कीजिए अभी मेरे भाई से, अभी पटना में है, और उन्होंने अपने भाई का नंबर भी दिया है, क्योंकि इनका जो भाई है वो बाढ़ में फंसा हुआ है। विकास जी, खेसारी जी जरूर आपके भाई की मदद करेंगे, और खेसारी लाल अगर मदद ना कर पाए तो वहां पर जरूर कोई ना कोई मदद करेगा, लेकिन खेसारी लाल सबकी मदद करते हैं। प्रियांशु कुमार हैं, और इन्होंने कमेंट किया है, सुझाव दिया है खेसारी लाल यादव को कि आप सीतामढ़ी जाएंगे, और सीतामढ़ी से डुमरा कॉलेज में उतरने के बाद आप वहां से पटना जंक्शन जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियांशु आपका, आपने खेसारी लाल यादव को ये जानकारी दी, सुझाव दिया, इस सुझाव के लिए आपका शुक्रिया। ऋषि कुमार हैं, वो कहते हैं पटना मनेर का रहने वाला हूँ, मेरा घर बनवा दीजिए भैया, आप मेरे लिए भगवान है। खेसारी भैया, मेरा नंबर है 7294805017। ऋषि कुमार हैं, खेसारी लाल यादव समाज सेवा करते हैं, सभी जानते हैं, और इसको लेकर ऋषि का दर्द छलका है यहाँ पर, और खेसारी से इन्होंने ऑनलाइन रिक्वेस्ट की है और कहा है कि खेसारी लाल भैया मेरा घर बनवा दीजिए, आप भगवान हैं। अब इस पर हम आपको एक खबर बता देते हैं कि खेसारी लाल यादव ने अपने गांव में न जाने कितने लोगों के घर बनवाए हैं। खेसारी लाल यादव ने अपने चाचा के भी घर बनवाए हैं, और जितने लोग हैं जो परेशान थे उनके गांव में, सबको उन्होंने मदद किया है। इसी को देखते हुए ऋषि कुमार ने कहा है कि पटना के मनेर का रहने वाला हूं मैं, और मेरा घर बनवा दीजिए। उन्होंने बकायदा अपना नंबर भी सेंड किया है। ऋषि कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने खेसारी लाल से संपर्क किया और ये बातें रखी हैं। उम्मीद है कि खेसारी लाल यादव जरूर सुनेंगे। मनीष राज हैं, तो वो कहते हैं कि जियो खेसारी भाई, आपको एक भगवान का रूप हम मानते हैं, और आप बिल्कुल एक भगवान हैं, जियो जियो। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी आपका। मनीष राज जी खेसारी लाल के बहुत बड़े फैन हैं। वहीं पर सुमेश लाल यादव, सुमेश दीवाना कहते हैं कि मैं पटना दिग्घा से हूँ, और इन्होंने अपना नंबर भेजा है। वाह, खेसारी लाल यादव के बहुत सारे फैंस हैं, मैंने कहा था ना इश्क का राजा, राजा भी है और वो भी इश्क के, बहुत बड़ी बात है। खेसारी लाल यादव को बहुत प्यार करते हैं, और उनका कहना है कि कहाँ है जो खेसारी भैया को गाली दिलवाता है, ओनली खेसारी भैया शेर हैं। वाकई में खेसारी लाल यादव की जितनी तारीफ की जाए शब्द कम पड़ जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका इश्क के राजा जी।
और इसके अलावा शंकर लाल हैं, खेसारी लाल इज ग्रेट, और वो कहते हैं कि यूपी के सीएम खेसारी लाल को बता रहे हैं शंकर लाल। वैसे जो लोग किसी को बहुत प्यार करते हैं उनको हमेशा पीएम और सीएम जरूर बनाते हैं, चाहते हैं कि उनके चाहने वाले राजा बने, चाहे वो दिल के राजा बने या फिल्मों के राजा बने। देखने वाली बात है कि खेसारी लाल यादव कहाँ के राजा बनते हैं। बहुत शुक्रिया शंकर जी आपका। रमन कुमार हैं, रमन जी कहते हैं कि यादवों के दो सन खेसारी भैया और पप्पू यादव। बहुत शुक्रिया रमन कुमार जी आपका। रियाज अहमद कहते हैं खेसारी जी लव यू। वाकई में खेसारी जी से तो सभी प्यार करते हैं। तमाम लोगों की ये प्रतिक्रिया सामने आई है, ये सचमुच में खेसारी लाल यादव के लिए ही है। खेसारी लाल यादव ही ऐसा कर सकते हैं कि वो इतने ज़्यादा फैंस को अपने आगे पीछे रख सकते हैं। भैया सुपरस्टार हैं। खेसारी लाल यादव लाइव आए और लाइव आकर बाढ़ पीड़ितों के लिए अपने दर्द को बयां किया कि भैया मैं पटना जाना चाहता हूँ, मेरे अंदर वो तमाम तकलीफें हैं। उस दर्द को देख के कि लोग कैसे अपने घरों में कैद हो गए हैं, शारदा सिन्हा भी कैद हो गई थी, इसके अलावा उप मुख्यमंत्री भी कैद हो गए थे, तमाम लोग कैसे अपने घरों में कैद हो गए हैं मैं देख के बहुत दुखी हूँ। लेकिन पटना में ही जब बाढ़ आया है तो फिर कैसे राहत सामग्री पहुँचाई जाए। हम आपको बता दें कि जब सरकार की सामग्री नहीं पहुँच पा रही है तो खेसारी लाल यादव तो दूर हैं, लेकिन इस बीच फैंस ने किस तरीके से उन्हें ये तमाम बातें कही हैं ये हमने आपको बताने की कोशिश की है। खेसारी लाल यादव जब भी फैंस के लिए कुछ करना चाहते हैं या फिर लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं तो लोग उनका शुक्रिया अदा करते हैं। इस बार भी फैंस ने बहुत सारी शुभकामनाएं दी हैं खेसारी लाल यादव को। और खेसारी लाल यादव पिछली बार भी बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए गए थे, जब उत्तर बिहार में बाढ़ आया था, सीतामढ़ी दरभंगा गए थे वो, और वहां पर जाकर टॉर्च की लाइट में लोगों की खूब मदद की थी। और एक बार फिर से खेसारी लाल को लोगों ने दिल से याद किया है। और खेसारी लाल यादव सिर्फ यहीं पर नहीं रुके थे, वो तो उस वक्त भी गए थे जब बच्चे बुखार से मर रहे थे, बच्चों की स्थिति बेहद खराब थी, इंसेफ्लाइटिस से बच्चे पीड़ित थे, और उस बीच भी खेसारी गए थे और वहां पर मदद किए थे। तो क्या एक बार फिर से खेसारी जाएंगे, सबको है इंतजार। नेक्स्ट नाइन भोजपुरिया के लिए शशिप्रिया सिंह की रिपोर्ट। तो देखा आपने फैंस ने किस तरीके से अपनी प्रतिक्रिया दी है, लेकिन बड़ा सवाल उठ रहा है इस पर, वो इसलिए क्योंकि क्या सिर्फ लाइव आने से और लोगों से अपील कर देने से हो जाएगी मदद? लोग वहां पर भूखे प्यासे हैं, बहुत दिनों से लोगों को खाना नहीं मिला है, और सुशासन बाबू का हेलीकॉप्टर भी पहुंचा है तो बहुत ही लंबे अरसे के बाद, क्योंकि 3-4 दिन जब बीत चुके तब हेलीकॉप्टर हवा में उड़ता हुआ नजर आया। लोगों का तो गुस्सा फूट पड़ा क्योंकि लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं था, और वहां पर जो चूड़ा और गुड़ गिराया जा रहा था वो भी आधी जो प्लास्टिक में मिल रही थी वो फट जाती थी, जिससे छत पे अच्छी तरीके से लोगों को मिल नहीं पाता और हवा में वो फैल जाता था, जिससे लोग काफी दुखी थे। तो सुशासन बाबू पर तो उनका गुस्सा फूटा ही। खेसारी लाल यादव जो कि एक बेहतर समाज सेवा करते हैं वो भी नहीं पहुंच पाए वहां तक, कोई भी नहीं पहुंच पा रहा। ईश्वर ने जिस तरीके से वहां पर प्राकृतिक आपदा की है, इस आपदा पर तमाम लोगों का दर्द आप देखेंगे ना तो कहती हूँ कि आपके आंसू थमने का नाम नहीं लेंगे। जितना ही दर्द है वो दर्द हम आपको कैसे बयां करें। लोग अपने छतों पर रहने को मजबूर है जिनके पास छत है, लेकिन जिनके पास छत है ही नहीं साहब तो फिर वो रहेंगे कहाँ, खाएंगे क्या और जिएंगे कैसे? चारों तरफ नाले का पानी बह रहा है, सीवरेज और ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है क्योंकि पूरा पटना डूब चुका है। लोग कह रहे हैं कि पटरी पर जिंदगानी को वापस लाने में अभी वक्त लगेगा, लेकिन ये वक्त कितना लगेगा? क्या खेसारी लाल यादव वहां पर जाएंगे सशरीर? क्या खेसारी लाल यादव जाकर वहां पर अपने तमाम फैंस को लेकर लोगों की मदद करेंगे? बड़ा सवाल है, और इस पर फैंस ने जिस तरीके से प्रतिक्रिया दी है हमने आपको बताया कि फैंस अपने अपने तरफ से खेसारी लाल यादव को बहुत अच्छा कह रहे हैं, क्योंकि खेसारी लाल यादव जब जाने में सक्षम नहीं है तो उन्होंने इस तरीके से वीडियो ही जारी कर लोगों से अपील की है। खैर, अगर संवेदना भी किसी से जताइए तो थोड़ी बहुत दुख में जरूर वो सहारा बनकर उभरता है। तो देखने वाली बात होगी कि संवेदना जैसे जताई है खेसारी लाल यादव ने, क्या वाकई में वहां पर पहुंचेंगे, क्या लोगों की मदद करेंगे? हमें दीजिए इजाजत, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। नमस्कार।